हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी और आज हम लोग बात करेंगे सर्किट ब्रेकर के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है और किसी इंडस्ट्री में सर्किट ब्रेकर को यूज करने का पर्पस क्या होता है और सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन किस हिसाब से करता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्किट ब्रेकर एक स्विचिंग डिवाइस होता है जिसे हम मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। इसे समझाने के लिए, अगर सर्किट ब्रेकर का हमें मेंटेनेंस करना हो तो उस केस में हम मैनुअली सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, सर्किट ब्रेकर के पैनल पे एक टीएनसी स्विच लगा होता है जिसका फंक्शन ही ये है कि अगर हमें मैनुअली सर्किट ब्रेकर को ऑफ करना हो तो टीएनसी स्विच के हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। पर अगर दोस्तों, अगर सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट कंडीशन आती है, अगर आपकी ड्राइव जरूरत से ज्यादा करंट ले रही है या अगर आपके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट या ग्राउंड फॉल्ट जैसी कंडीशन हुई है, तो उस केस में सर्किट ब्रेकर में जो रिले लगा रहता है, आपके पावर सिस्टम में हम जो रिले यूज करेंगे, वो रिले इस एबनॉर्मलिटी को सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर इस केस में ऑटोमेटिकली सर्किट को आइसोलेट करेगा। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि सर्किट ब्रेकर मैनुअल ऑपरेशन और ऑटो ऑपरेशन दोनों ही इसमें यूज होता है। अब दोस्तों, सर्किट ब्रेकर को आइसोलेट करने के लिए सर्किट ब्रेकर में एक फिक्स्ड कांटेक्ट और एक मूविंग कांटेक्ट लगा रहता है जिसका फंक्शन क्या होता है, ये मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। दोस्तों, सर्किट ब्रेकर में एक फिक्स्ड कांटेक्ट और एक मूविंग कांटेक्ट होता है। जब भी हम सर्किट ब्रेकर को क्लोज कमांड देते हैं तब मूविंग कांटेक्ट फिक्स्ड कांटेक्ट के तरफ मूव होता है और इनके कांटेक्ट होने के वजह से ही सर्किट ब्रेकर क्लोज हो पाता है। पर दोस्तों, सर्किट ब्रेकर का मेन काम सर्किट को ओपन या क्लोज करना ही नहीं होता। सर्किट ब्रेकर का मेन पर्पस होता है आर्क को इंटरप्ट करना। दोस्तों, जब भी पावर सिस्टम में कोई फॉल्ट कंडीशन आती है तो उस केस में सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली सर्किट को आइसोलेट करता है। इस केस में हम कहते हैं कि सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है। पर जब भी मूविंग कांटेक्ट फिक्स्ड कांटेक्ट से अलग होता है तो इन दोनों के बीच में एक आर्क फॉर्म होता है। इस आर्क को इंटरप्ट करने के लिए ही सर्किट ब्रेकर का मेन फंक्शन हम यूज करते हैं। दोस्तों, ये जो सर्किट ब्रेकर का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ना, कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर या SF6 सर्किट ब्रेकर, इन सभी सर्किट ब्रेकर का प्राइमरी फंक्शन तो एक ही है, वो है सर्किट को मेक या ब्रेक करना। पर इन सभी का डिफरेंशिएशन इस बात पर डिपेंड करता है कि ये सभी सर्किट ब्रेकर उस आर्क को इंटरप्ट कैसे करेंगे। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और ऑयल सर्किट ब्रेकर का काम भी सेम ही है, पर ये आर्क किस हिसाब से इंटरप्ट करते हैं, इसी से फर्क पड़ता है कि हम कहां पर ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे और कहां पर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आर्क इंटरप्शन होता क्या है और कैसे अलग अलग सर्किट ब्रेकर इस आर्क को इंटरप्ट करके सर्किट ब्रेकर का फंक्शन पूरा करते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की। तो देखिए, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आर को इंटरप्ट करने के लिए जो इंटरप्टर यूज होता है, जो मीडियम यूज होता है, वो होता है वैक्यूम। इसलिए इस सर्किट ब्रेकर को हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं, क्योंकि जैसा हमने सीखा कि जब भी कोई फॉल्टी कंडीशन में आपका सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तो फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है। अब इस केस में सर्किट ब्रेकर का मेन फंक्शन यही है कि उस आर्क को जल्दी से जल्दी इंटरप्ट किया जाए, क्योंकि जब तक ये आर्क क्विंच नहीं होगा, जब तक ये आर्क इंटरप्ट नहीं होगा, तब तक आपका सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं हो पाएगा, उसके कांटेक्ट अलग नहीं हो पाएंगे। तो इस केस में हम वैक्यूम यूज करते हैं। अब दोस्तों, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 11 केवी से 33 केवी के वोल्टेज लेवल में हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब जो मिड ट्रांसमिशन रेंज है, जो हम 11 केवी से 33 केवी की जो ट्रांसमिशन रेंज होती है, वहां पर आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन मिल जाएगा। दोस्तों, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का एडवांटेज ये होता है कि इसमें फायर हजार्ड का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि वैक्यूम में फायर हजार्ड जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इस हिसाब से सबसे एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे फीचर्स है, आपको फायर हजार्ड के कोई चांस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में नहीं मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर की। तो देखिए, जैसा कि इसका नाम है ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो इसी से हमें पता चलता है कि अभी आर को इंटरप्ट करने के लिए जो मीडियम हम यूज करने वाले हैं वो होगा ऑयल। तो इस केस में ऑयल को हम यूज करते हैं एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो जब भी आपका सर्किट ब्रेकर फॉल्टी कंडीशन में ओपन होगा तो अगेन मेन कॉन्टैक्ट, मतलब आपका फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में जो आर प्रोड्यूस होगा, उस आर को इंटरप्ट करने का काम इस केस में ऑयल का रहेगा। तो दोस्तों, ऑयल सर्किट ब्रेकर
ब्रेकर का जो कंस्ट्रक्शन होता है इसमें एक अलग से ऑयल चैम्बर दिया रहता है जिसमें आपको ऑयल फिलअप करना पड़ेगा, और जब भी सर्किट ब्रेकर ओपन होगा तो जो आर्क फॉर्म होगा वो इसी ऑयल चैम्बर के अंदर होगा, ताकि ऑयल की जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, ऑयल एक्ट करता है एज अ कूलेंट भी, तो ये ऑयल का काम रहेगा कि उस आर्क को वो इंटरप्ट करे और दोनों कॉन्टैक्ट को अलग करके सर्किट ब्रेकर को ओपन करे। पर तो दोस्तों ऑयल सर्किट ब्रेकर में प्रॉब्लम ये रहती है कि ऑयल एक इन्फ्लेमेबल लिक्विड है जिसके वजह से इसमें सेफ्टी कंसर्न काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर में फायर हजार्ड का चांसेस भी रहता है जो कि ऑयल सर्किट ब्रेकर का एक डिसएडवांटेज है। पर फिर भी अगर 6.6 केवी लेवल की हम बात करें जो 11 केवी से कम का वोल्टेज लेवल है वहाँ पर ऑयल सर्किट ब्रेकर हम इजीली यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑयल सर्किट ब्रेकर कि जो कॉस्टिंग है वो बाकी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के कंपैरिजन में कम होती है। पर अगर आप मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर काफ़ी मेंटेनेंस फ्री होता है, पर ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्योंकि उसमें ऑयल है तो ऑयल लेवल या ऑयल रिप्लेसमेंट ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। तो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ऑयल सर्किट ब्रेकर की कॉस्टिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। दोस्तों अब बात आती है SF6 सर्किट ब्रेकर की। तो देखिए SF6 एक गैस होती है जिसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस भी कहते हैं। दोस्तों SF6 सर्किट ब्रेकर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि SF6 जो गैस है ये केमिकली काफ़ी स्टेबल होती है। इसका मतलब ये है कि SF6 गैस एयर के साथ मिलके या जो बाकी एटमोस्फेरिक गैसेस है उनके साथ रिएक्ट करके कोई एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता, क्योंकि ये केमिकली काफ़ी स्टेबल होता है। तो अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात तो SF6 सर्किट ब्रेकर यूज करना भी काफी अच्छा है, क्योंकि SF6 एक इनर्ट गैस है, उसमें कोई भी फायर हजार्ड जैसी चीजें नहीं होती। दूसरी एक चीज ये है दोस्तों कि SF6 सर्किट ब्रेकर नॉन इन्फ्लेमेबल भी होता है, क्योंकि हम इसमें जो आर्क इंटरप्टर यूज़ कर रहे हैं वो है SF6 गैस। तो उस हिसाब से जो हाई वोल्टेज रेंज होती है जैसे कि अप टू 760 केवी जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस में जो ब्रेकर्स आपको देखने को मिलेंगे वो SF6 ब्रेकर होंगे, क्योंकि SF6 गैस का जो डायलैक्ट्रिक मीडियम है ये काफ़ी स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू ऑयल एंड वैक्यूम। तो इसलिए जब भी हाई ट्रांसमिशन लेवल की बात आएगी जैसे कि 440 केवी या 760 केवी वहाँ पे हम SF6 गैस को ही यूज़ करेंगे एज अ आर्क इंटरप्टर, और इसलिए SF6 सर्किट ब्रेकर इन एप्लीकेशंस में इजीली यूज़ होते हैं। दोस्तों आज हमने सीखा कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है और किसी भी इंडस्ट्री में सर्किट ब्रेकर का फंक्शन क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।